हाय फ्रेंड्स, ये डोर के साथ अटैच है, ड्रेसिंग टेबल है और इसमें साइड में हमने चार कोल लगा रखी है, पीवीसी चार कोल डिज़ाइन के हिसाब से, और इसमें 100 mm की जगह छोड़ रखी है इसके साथ। और ये पूरी ड्रेसिंग टेबल एक डोर से अटैचमेंट है। ये देखिए, ग्लास प्रोफाइल डोर है और ये ग्लास प्रोफाइल हैंडल भी है, साथ में अटैच है। ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखती है। और इसमें कुछ सेल्फ लगा रखे ताकि कुछ भी छोटे छोटे आइटम आप आराम से इसके अंदर रख सकते हो। ये प्रोफाइल डोर, ये देखिए इसके अंदर दो छिटकने लगी रखी। ये आपका बॉटम हो गया। डोर के साथ पूरा अटैचमेंट है, ये छिटकनी खोलने से इसके अंदर लगा रखी सेफ्टी के लिए, ताकि पूरा डोर सेफ रहे। ये पूरा डोर के साथ अटैचमेंट है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसको खोलेंगे तो पूरा डोर के साथ पूरी ड्रेसिंग टेबल साथ खुल जाएगी इसके। ये देखिए, ये पूरा बाहर का व्यू है और ये पूरी अटैचमेंट है डोर के साथ। और डोर ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है। ये देखिए, ये ड्रेसिंग टेबल पूरी मेरे रूम के अंदर बना रखी है मैंने। मेरे रूम में काफ़ी कम जगह होने के कारण डोर के साथ इसको अटैच किया हुआ है ड्रेसिंग को, और ताकि किसी को पता भी नहीं चले कि ये ड्रेसिंग टेबल है या डोर है। बाहर साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है डोर, प्लेन माइका है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली आगे वीडियो आप आसानी से देख सकें। थैंक यू सो मच।